लास्ट एपिसोड में देखा था कि नेमोटॉन का पता लगाने के लिए स्कॉट साइल्स और एलिसन डीटन के कहने पर एक रिचुअल करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत उसी रिचुअल से होती है। जब स्कॉट साइल्स और एलिसन को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो तीनों एक वाइट कलर के बड़े से रूम में हैं। उस रूम के बीचों बीच नेमोटॉन होता है। जब वो तीनों नेमोटॉन के करीब जाते हैं तो स्कॉट नोटिस करता है कि नेमोटॉन के स्टम्प पर कुछ रिंग्स बनी हैं, जो कि स्कॉट के हाथ पर बने टैटू की तरह दिखती हैं। जैसे ही वो तीनों नेमोटॉन को छूते हैं, उनको अपनी लाइफ के कुछ फ्लैशबैक इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं, वो इंसिडेंट्स जब वो तीनों नेमोटॉन के आसपास थे। स्कॉट को वो रात दिखती है जब जंगल में उसको डेरिक की बहन लॉरा हेल की डेड बॉडी मिली थी और फिर पीटर ने उसको काट लिया था। स्कॉट उस सीन से पीछे हटता है तो देखता है कि उसके पीछे नेमोटॉन है। साइल्स को भी वही रात दिखती है जब वो और स्कॉट लॉरा की डेड बॉडी ढूंढने जंगल में आए थे और पुलिस वहां आ गई थी, जिस वजह से साइल्स और स्कॉट भागते भागते एक दूसरे से बिछड़ गए थे। साइल्स भी जब उस सीन से पीछे हटता है तो देखता है कि उसके पीछे नेमोटॉन है। एलिसन को भी सेम रात दिखती है। उस रात वो और उसकी मॉम अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से स्कॉट उनकी कार से टकराते टकराते बचा था। एलिसन अपनी मॉम को कार दोबारा पीछे ले जाने को कहती है। उसको लगता है कि शायद किसी को चोट लग गई हो, उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब तक वो लोग पीछे आते हैं स्कॉट वहां से जा चुका था। एलिसन और उसकी मॉम को नहीं पता था कि उनकी कार से कौन टकराया था। एलिसन उस इंसान को ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। नीचे जमीन पर उसको स्कॉट का इनहेलर मिलता है। तभी उनको जंगल में वुल्व्स के हाउल करने की आवाजें सुनाई देती हैं। विक्टोरिया डर जाती है और एलिसन के हाथ से वो इनहेलर लेके वापस जमीन पर फेंक देती है और फिर एलिसन को जल्दी से वहां से लेके चली जाती है। जब प्रेजेंट टाइमलाइन वाली एलिसन भी उस सीन से पीछे मुड़ के देखती है तो उसको वहां नेमोटॉन दिखता है, यानी कि वो नेमोटॉन बीकन हिल्स के जंगल में ही कहीं है। कट टू नेक्स्ट सीन, उन तीनों को रियल दुनिया में होश आता है। वो तीनों बहुत एक्साइटेड होते हैं और डीटन को वो सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने देखा, लेकिन डीटन कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। वो तीनों 16 घंटे तक उन बाथ टब्स में थे और अब फुलमून होने में सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद स्कॉट दोबारा डुकेलियन के पास जाने लगता है तो साइल्स और एलिसन उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। डुकेलियन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और वैसे भी अब उनको डुकेलियन की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, लेकिन स्कॉट उनकी बातों से एग्री नहीं करता। स्कॉट का मानना है कि जेनिफर यानी कि डराक को हराने के लिए उनको डुकेलियन की हेल्प की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीटन भी स्कॉट से एग्री करता है। वो कहता है कि कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ता है। जेनिफर को रोकने के लिए स्कॉट डुकेलियन को एज अ बेट यूज कर सकता है। तभी लिडिया को ढूंढता हुआ ईथन वहां पर आता है। वो उनको बताता है कि काली और एडन डेरिक को मारने जा रहे हैं। मे बी लिडिया एडन का माइंड चेंज कर सके कि वो गलत कर रहा है। इसके बाद लिडिया और ईथन डेरिक को वार्न करने उसके अपार्टमेंट चले जाते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपनी बहन कोरा को हील करने के लिए डेरिक ने अपना अल्फा स्टेटस खो दिया था। उस प्रोसेस की वजह से कोरा तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन डेरिक अभी भी बहुत कमजोर है। इस हालत में तो वो अल्फा पैक से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। ईथन उसको बताता है कि अगर डेरिक आज रात होने वाले ल्यूनर एक्लिप्स का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है तो वो गलती कर रहा है। काली को भी ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में पता है कि ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान एक वेयरवुल्फ की सारी पावर्स चली जाती हैं, इसलिए काली ल्यूनर एक्लिप्स का वेट नहीं करेगी, वो उससे पहले ही डेरिक पर अटैक करेगी। पीटर और कोरा को लगता है कि उनको वहां से भाग जाना चाहिए, तभी डेरिक अपनी जान बचा पाएगा। लिडिया को भी उस जगह से ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि आज रात वहां कई मौतें होने वाली हैं। स्कॉट साइल्स को अपने घर जाके अपने डैड का कोई पर्सनल आइटम लाने को कहता है, जिसे सुन के स्कॉट शरीफ को ढूंढ पाएगा। उन तीनों को ये तो पता है कि नेमोटॉन जंगल में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया है। स्कॉट एलिसन और आइज़क एलिसन के घर आते हैं ताकि वो वहां से क्रिस का कोई पर्सनल आइटम पिक कर सके, लेकिन वहां उन तीनों का सामना स्कॉट के डैड एजेंट मैकॉल से हो जाता है। वो मोमेंट उन बाप बेटों के लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। एजेंट मैकॉल उन तीनों से पूछताछ करते हैं कि जो भी मर्डर्स हुए हैं वो स्कॉट और उसके फ्रेंड से रिलेटेड हैं। जरूर उन लोगों को कुछ तो पता है जो वो लोग पुलिस से छिपा रहे हैं। वो तीनों अपना मुंह नहीं खोलते तो एजेंट मैकॉल उनको धमकी देते हैं कि मजबूरन उनको उन तीनों को डिटेन करना पड़ेगा। ये सुन के एलिसन एक प्लान बनाती है। वो एजेंट मैकॉल का ध्यान भटका के वहाँ एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ देती है,
जिस वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और मौके का फायदा उठाकर स्कॉट, एलिसन और आइज़ैक तीनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डेरिक के अपार्टमेंट का वार्निंग अलार्म बजता है। काली और एडन वहां आ गए हैं, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर उनको बस लिडिया और इथन ही मिलते हैं। डेरिक और कोरा ऑलरेडी वहां से भाग गए हैं। काली बहुत गुस्से में होती है और लिडिया से पूछती है कि डेरिक कहाँ है। लिडिया मजाक करती है कि वो शॉपिंग गया है। काली को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिडिया की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख के काली की तरफ एडन घुराने लगता है और उसको लिडिया से दूर रहने की धमकी देता है। काली उसको मॉक करती है कि ड्यूकेलियन ने एडन को लिडिया से प्यार करने का बस नाटक करने को कहा था, लेकिन एडन तो सच में दिल लगा बैठा। तभी एकदम से उस अपार्टमेंट की सीलिंग टूटने लगती है और सीलिंग को क्रैश करके जेनिफर सीन में एंट्री मारती है। उसको इसी पल का इंतजार था। फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है, जेनिफर वर्सेस काली एंड ट्विंस। जेनिफर उन तीनों के अगेंस्ट अपनी उन पावर्स का यूज करती है जो उसको वो सैक्रिफाइस करके मिली हैं। वो अब उन तीनों से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और उनको हरा देती है। फिर वो अपनी पावर्स से काली की तरफ कई सारे टूटे कांच के टुकड़े फेंक के मारती है, जिस वजह से काली की मौत हो जाती है। ट्विंस उस पर मेगा वेयरवुल्फ बनकर अटैक करते हैं तो वो उनकी भी गर्दन तोड़ देती है। फिर वो लिडिया की तरफ बढ़ने लगती है। लिडिया बहुत डरी हुई होती है और उससे पूछती है कि उसको लिडिया से क्या चाहिए। जेनिफर कहती है कि वो चाहती है कि लिडिया वो काम करे जो वो बेस्ट करती है, चीखे। फिर जेनिफर लिडिया के सामने अपनी डुराग की फॉर्म में आ जाती है। लिडिया उसका रियल रूप देख के बहुत डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। क्योंकि लिडिया एक बैंशी है, इसी वजह से उसकी चीख बहुत पावरफुल है और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स को दूर तक सुनाई देती है। डेरिक और कोरा बीकन हिल से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनको लिडिया की चीख सुनाई देती है। डेरिक कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर लिडिया मुसीबत में है, उनको वापस बीकन हिल्स जाना होगा। साइल्स अपनी जीप में जंगल की ओर जा रहा होता है। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिस वजह से साइल्स की जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। स्कॉट, एलिसन और आइज़ैक जंगल में पहुंच जाते हैं। उन तीनों को फिक्र होती है कि साइल्स अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। आइज़ैक कहता है कि वो ज्यादा देर साइल्स का वेट नहीं कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनको मलेशिया शेरिफ और क्रिस को ढूंढने जाना चाहिए। तभी ड्यूकेलियन भी वहां आ जाता है। स्कॉट ने ही उसको वहां बुलाया है। स्कॉट का प्लान है कि आइज़ैक, साइल्स और एलिसन नेमेटॉन को ढूंढ के शेरिफ, मेलिसा और क्रिस की जान बचाएंगे और तब तक स्कॉट और ड्यूकेलियन जेनिफर का ध्यान भटकाएंगे। कट टू नेक्स्ट सीन, डेरिक और कोरा वापस आ गए हैं। कोरा लिडिया को कम्फर्ट करती है। डेरिक जेनिफर से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। उसने जान बूझ के लिडिया को चीखने को कहा था ताकि डेरिक उसकी आवाज सुने और वापस आ जाए। जेनिफर कहती है कि उसको ड्यूकेलियन से लड़ने के लिए डेरिक की हेल्प चाहिए। डेरिक कहता है कि जेनिफर ने अभी थोड़ी देर पहले अकेले ही 3 अल्फा वेयरवुल्फ्स को मार दिया, तो फिर उसको डेरिक की हेल्प क्यों चाहिए, डेरिक तो अब अल्फा भी नहीं है। जेनिफर कहती है कि ड्यूकेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली तब जब वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में होता है, वो उसको अकेले नहीं मार पाएगी। आज रात 15 मिनट के लिए ल्यूनर एक्लिप्स होगा, जब सारे वेयरवुल्फ्स इंक्लूडिंग ड्यूकेलियन पावरलेस हो जाएंगे। डेरिक को बस जेनिफर की हेल्प करके ड्यूकेलियन को सही टाइम पर सही जगह पर लाना है, बाकी का सब कुछ जेनिफर देख लेगी। अगर डेरिक जेनिफर की हेल्प करेगा तो वो शेरिफ, मेलिसा और क्रिस को सही सलामत छोड़ देगी। आइज़ैक और एलिसन जंगल में नेमेटॉन को ढूंढने लगते हैं। वहाँ तूफान के कारण आइज़ैक अपनी वेयरवुल्फ पावर्स से सूंघ के क्रिस, शेरिफ या मेलिसा को ट्रैक नहीं कर पाता। तभी उसको क्रिस के मिनी अल्ट्रासोनिक एमिटर की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को ट्रैक करता करता नेमेटॉन तक पहुँच जाता है। एलिसन और आइज़ैक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उनको वो तीनों पेरेंट्स मिलते हैं। एलिसन अपने डैड को सही सलामत देख के बहुत खुश होती है और आइज़ैक एक एक करके उन तीनों के हाथों पर बनी रस्सियाँ खोलने लगता है। तभी तूफान के कारण उस बेसमेंट की सीलिंग टूट के गिरने लगती है और वो सभी लोग वहाँ उस बेसमेंट में ट्रैप्ड हो जाते हैं। डेरिक के अपार्टमेंट में ट्विंस दोबारा डीमर्ज हो जाते हैं। लिडिया और कोरा नोटिस करते हैं कि वो दोनों ट्विंस अभी भी जिंदा हैं। वो दोनों ट्विंस को डीटन के पास ले जाते हैं ताकि डीटन उनकी जान बचा सके। डीटन उन दोनों ट्विंस एडन और इथन की ट्रीटमेंट करता है और उनको किसी तरह का इंजेक्शन लगाता है। स्कॉट और ड्यूकेलियन उसी पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जहां डेरिक पेज को अपने साथ लाया करता था। फिर स्कॉट जेनिफर को एक टॉन्टिंग वीडियो मैसेज भेजता है कि अगर उसमें दम है तो उनसे लड़ने आ जाए। थोड़ी देर बाद जेनिफर वहां आ जाती है। स्कॉट ये देख के शॉक होता है कि डेरिक भी जेनिफर के साथ है।
टेरी कहता है कि वो स्कॉट की हेल्प करने वहाँ आया है। अगर वो लोग जेनिफर की हेल्प करेंगे तो जेनिफर क्रिस, मेलिसा और शरीफ की जान बख्श देगी। फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है। ड्यूकेलियन फाइनली अपनी अल्फा वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है जो कि बहुत डरावनी होती है। जेनिफर भी उससे डर जाती है। वो उसके अगेंस्ट अपनी पावर्स का यूज करती है लेकिन उसकी पावर्स ड्यूकेलियन के अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ड्यूकेलियन उसको और डेरिक को ईजिली हरा देता है। फिर वो जेनिफर को पकड़ लेता है और स्कॉट को जेनिफर को मारने का ऑर्डर देता है। स्कॉट मना करता है तो ड्यूकेलियन उसकी तरफ जोर से रोर करता है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि स्कॉट अपने घुटनों पर आ जाता है और वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ड्यूकेलियन स्कॉट को बताता है कि जो अचानक से वहाँ पे वो तूफान आया है वो जेनिफर का ही किया कराया है। वो अपनी पावर्स को यूज करके स्कॉट और उसके दोस्तों के पेरेंट्स को स्नेमिटॉन के नीचे जिंदा दफन कर देगी। अगर वो लोग जेनिफर को मार देंगे तो वो तूफान भी रुक जाएगा और स्कॉट के अपनों की जान भी बच जाएगी। जेनिफर स्कॉट को वार्न करती है कि ये सब जेनिफर की मौत से खत्म नहीं होगा। इसके बाद एक एक करके ड्यूकेलियन स्कॉट से उन सभी लोगों को मरवा देगा जिनसे स्कॉट प्यार करता है। ड्यूकेलियन स्कॉट को फिर से जेनिफर को मारने का ऑर्डर देता है। इट्स अबाउट टाइम कि स्कॉट वो अल्फा स्लैश किलर बन जाए जो बनना उसकी डेस्टिनी है। स्कॉट जेनिफर को मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्रिस, मेलिसा और शरीफ अभी भी जिंदा हैं और स्कॉट का पैक उसके दोस्त उन लोगों को बचा लेंगे। ड्यूकेलियन स्कॉट से गुस्सा हो जाता है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर जेनिफर को उससे मरवाने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट ड्यूकेलियन को कहता है कि जेरार्ड ने उसको बताया था कि ड्यूकेलियन हमेशा अंधा नहीं होता है। ये कह के स्कॉट वहाँ दो फ्लैशबैंग एरो हेड ड्रॉप कर देता है जो उसने एलिसन के घर से उठाए थे। वहाँ एकदम से बहुत तेज रोशनी होती है जिस वजह से ड्यूकेलियन वेयरवुल्फ फॉर्म में होने के बावजूद भी थोड़ी देर के लिए पार्शियली ब्लाइंड हो जाता है। तभी वो ल्यूनर एक्लिप्स स्टार्ट हो जाता है और उसके असर के कारण स्कॉट, डेरिक और ड्यूकेलियन तीनों अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। नेमेटॉन के नीचे और भी सीलिंग टूटने लगती है। आइजैक सीलिंग को पकड़ लेता है ताकि वो उन सब पर ना गिर जाए लेकिन उससे ज़्यादा देर वो सीलिंग पकड़ी नहीं जाती। और भी सीलिंग टूटने लगती है लेकिन तभी साइस वहाँ आ जाता है और सीलिंग और फ्लोर के बीच में अपना एल्यूमिनियम बैट अड़ा देता है जिस वजह से उन लोगों को और टाइम मिल जाता है। इसके बाद शरीफ और साइस एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और हग करते हैं। जेनिफर मौके का फायदा उठाती है क्योंकि अब नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए वेयरवुल्फ अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। वो स्कॉट को अपनी पावर्स से दूर फेंक के मारती है और फिर ड्यूकेलियन को बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी डेरिक के दिमाग में एक प्लान आता है। डेरिक को याद आता है कि कोरा को हील करने की वजह से डेरिक की पावर्स कम हो गई थी और वो बहुत वीक हो गया था। सेम ट्रिक डेरिक जेनिफर पर अप्लाई करता है। उसका ब्रेन वॉश करता है कि ड्यूकेलियन ने तो कभी जेनिफर का ड्रॉक वाला चेहरा देखा ही नहीं है। ड्यूकेलियन को भी तो पता होना चाहिए कि उसकी हैवानियत की वजह से जेनिफर के फेस का क्या हाल हो गया है। डेरिक कहता है कि जेनिफर को अपनी पावर से ड्यूकेलियन की आंखें हील कर देनी चाहिए ताकि वो दोबारा देख पाए, वो मरने से पहले ये देख पाए कि उसने जेनिफर के साथ कितना बुरा किया था। जेनिफर डेरिक की बातों में आ जाती है और अपनी पावर से ड्यूकेलियन की आंखों की रोशनी लौटा देती है लेकिन ऐसा करने से जेनिफर बहुत वीक हो जाती है और ड्यूकेलियन को मारने के लिए अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती। इसलिए वो डेरिक को ड्यूकेलियन को मारने को कहती है लेकिन डेरिक ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ ने उससे एक बार कहा था कि जस्ट बिकॉज वो लोग वेयरवुल्फ्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो किलर्स भी बने। गुस्से में जेनिफर डेरिक पर ही अटैक कर देती है। कुछ देर के लिए डेरिक को वो मोमेंट याद आता है जब बेकाबू होकर कोरा और बॉयड ने भी डेरिक पर ऐसे ही अटैक किया था। तब जेनिफर को बचाने के लिए ही डेरिक दोबारा स्कूल के उस रूम में गया था। थोड़ी देर बाद ल्यूनर एक्लिप्स खत्म हो जाता है और डेरिक, स्कॉट और ड्यूकेलियन को अपनी पावर्स दोबारा वापस मिल जाती हैं। ये देख के जेनिफर जल्दी से अपने चारों ओर माउंटेन ऐश का एक सर्कल बना लेती है। वो कहती है कि वो उन तीनों पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करके अपनी पावर्स को दोबारा बढ़ा लेगी और फिर ड्यूकेलियन के साथ साथ उन सभी को मार देगी। उसको लगता है कि वो जीत गई है लेकिन वो गलत होती है क्योंकि स्कॉट उस माउंटेन ऐश के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। जेनिफर उसको मॉक करती है लेकिन अगेन उसका पोपट हो जाता है क्योंकि स्कॉट अपनी स्ट्रेंथ से उस बैरियर को तोड़ देता है जिस वजह से वो एक ट्रू अल्फा बन जाता है और उसकी आइज का कलर येलो से रेड हो जाता है। इसके बाद वो जेनिफर को धमकी देता है कि अगर उसने वो तूफान नहीं रोका तो स्कॉट खुद उसकी जान ले लेगा। तभी ड्यूकेलियन एकदम से आगे बढ़ता है और अपने पंजों से जेनिफर का गला काट देता है। वो तूफान रुक जाता है और नेमेटॉन की बेसमेंट में सीलिंग भी गिरना बंद हो जाती है
और साइल्स एलिसन, शेरिफ आइजक, मेलिसा और क्रिस की जान बच जाती है। एडन और इथन भी ठीक हो जाते हैं और एडन लिडिया से कहता है कि उसको पता था कि लिडिया भी उसको सच में पसंद करने लगी है। स्कॉट साइल्स को फोन करके कहता है कि वो जल्दी उन सबको लेने आ रहा है। फिर डेरिक और स्कॉट डुकेलियन को धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा अपनी पुरानी वाली बुरी हरकतें करना स्टार्ट किया तो वो लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। अब डुकेलियन को अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई है और वो दोबारा अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे एलिसन के घर पर वो अपने डैड को उसको ट्रेन करने को कहती है। जो कुछ भी उसके डैड सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं वो चाहती है कि वो एलिसन को भी सिखाएं, क्योंकि डेटन ने उसको बताया था कि अब नेमेटॉन दोबारा सुपर चार्ज हो गया है और नेमेटॉन की पावर से अट्रैक्ट होकर और भी खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स बीकन हिल्स में आने लगेंगे, इसलिए उनको रेडी और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एलिसन ये भी कहती है कि वो अपनी फैमिली का मोटो चेंज करना चाहती है। पहले आर्जेंट फैमिली का मोटो था कि वो लोग उनका शिकार करते हैं जो उन्हें शिकार बनाते हैं, लेकिन अब एलिसन इसको चेंज करके ये करना चाहती है कि वो लोग उनकी रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि डेरिक और कोरा बीकन हिल्स छोड़ के चले जाते हैं। एक वॉइस ओवर में स्कॉट कहता है कि वो होप करता है कि डेरिक और कोरा कुछ टाइम के बाद बीकन हिल्स लौट आए, क्योंकि यही तो उनका घर है। फिर हम स्कॉट के वॉइस ओवर के साथ कुछ और सीन्स देखते हैं। स्कॉट के डैड उससे मिलने घर आते हैं, लेकिन स्कॉट अपने बेडरूम का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर देता है। ये देख के मेलिसा बहुत खुश होती है। वो कहता है कि इतनी आसानी से उसके डैड को उसकी लाइफ में दोबारा री एंट्री नहीं मिलेगी। जब स्कॉट स्कूल जाता है और अपने सारे दोस्तों को खुश देखता है, लिडिया, एडन, डैनी, इथन, एलिसन, आइजक और साइल्स, इन सभी को खुश देख के स्कॉट को भी खुशी होती है। अब वो लोग सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, उसका पैक हैं। वॉइस ओवर में स्कॉट बताता है कि अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उन्होंने जो रिचुअल किया था, डीटन ने कहा था कि उस रिचुअल के कारण उनमें एक डार्कनेस आ जाएगी। स्कॉट और साइल्स दोनों ही उस डार्कनेस को फील कर सकते हैं, जैसे कि वो डार्कनेस उनको अपने अंदर डुबा रही हो। लेकिन जब भी स्कॉट को ऐसी फीलिंग आती है, वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा करने से वो डार्कनेस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि साइल्स स्कॉट के पीछे से आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उन दोनों की दोस्ती हमेशा टिकी रहती है। नेक्स्ट सीन में डीटन स्कॉट से पूछता है कि जेनिफर के साथ क्या हुआ था। स्कॉट बताता है कि उसकी बॉडी उस फैक्ट्री से गायब हो गई थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेनिफर रेंगती हुई नेमेटॉन की तरफ बढ़ रही होती है। उसको लगता है कि वो पेड़ दोबारा उसको हील कर देगा और पावर्स देगा, लेकिन इससे पहले कि वो नेमेटॉन को छू पाए, पीटर उसको पकड़ लेता है। वो कहती है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पीटर बस पावर्स के बारे में ही सोचता है। उसको क्या लगता है कि अब क्योंकि स्कॉट एक अल्फा बन गया है तो पीटर उसको मार के दोबारा अल्फा बन जाएगा। पीटर अपने पंजों से जेनिफर की गर्दन काट देता है और वो मर जाती है। फिर पीटर कहता है कि वो ऑलरेडी एक अल्फा है और हमेशा से एक अल्फा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसी एपिसोड के साथ खत्म हो जाता है सीजन 3 पार्ट 1। अब हम सीजन 3 पार्ट 2 में देखेंगे कि स्कॉट और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या क्या होता है और वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अगर आप टीन वुल्फ सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 के बाकी के एपिसोड्स की वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अगर आपको अब तक के सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग माई चैनल। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।